गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास अबाउट द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 1 विच वॉज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। जब मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सरसाइजेस को डिस्कस करवाया, हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सरसाइज, तो डैट टाइम आई हैव टोल्ड यू डैट आई विल शेयर यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑन 13th। तो एक्चुअली आफ्टर दैट टुडे इज आवर क्लास ऑन 14th अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल। सो आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ विच इज़ ए पोएम हुज नेम इज ए हाउस ए होम। एज फार एज द फर्स्ट चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स आर कंसर्न्ड, आई विल शेयर इट इन माई नेक्स्ट क्लास। Right now, what you have done in your notebook is you have written the word meanings, and that's it. You will write just the word meanings of it, okay? And मुझे ध्यान है कि मैंने आपको writing portion में दो करने दिए थे homework, तो don't do it now. You may do it in your rough notebook. After getting the question answers of chapter 1 by me, then only you will do. और आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक देन ओनली यू विल डू द राइटिंग सेक्शन। समझ गए? अगली क्लास में मैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स आपसे शेयर करूंगा, तो वो क्वेश्चन आंसर्स मिलने के बाद ही आप अपनी नोटबुक में यू नो वर्ड मीनिंग्स के बाद वो क्वेश्चन आंसर्स उतारोगे और फिर उसके बाद आप राइटिंग पोर्शन लिखोगे। तो फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है विच इज़ अ पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट ए हाउस ए होम, एक मकान एक घर, इस नाम से एक पोएम है नेक्स्ट वाली। जैसे कि आप अपनी नोट जो है बुक में देख पा रहे हो कि द चैप्टर नंबर्स ऑफ पोएम हैज़ नॉट बीन रिटन ऑन इन योर बुक। चैप्टर नंबर तो सिर्फ प्रोज पीसेस के ही दिए हुए हैं, कहानियों के दिए हुए हैं, और हर कहानी के बाद एक पोएम दी हुई है जिसका कोई चैप्टर नंबर नहीं है। देयर इज़ नो चैप्टर नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर पोएम, तो वी आर गोइंग टू रीड इट आउट। नाउ बिफोर रीडिंग द पोएम, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर देन रीड द पोएम। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउस और होम का डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हाउस और होम का डिफरेंस क्या होगा? हाउस जो होता है, होम जो होता है, वैसे तो ये क्लासरूम में डिस्कस करने बोला है, तो वेन एवर इफ आई वुड हैव बीन इन द क्लास विथ यू राइट नाउ, आई मस्ट हैव said to any of the two students to stand up and discuss about this particular question's answer. Class में होने पर तो मैं आप लोगों को अभी खड़ा करता दो बच्चों को और इन दोनों का difference आपस में discuss करने के लिए कहता। कोई एक बच्चा suppose इसका एक difference बताता, दूसरा बच्चा दूसरा difference बताता, इस तरह से। But right now we are not in the classroom, so that's why I have to give you the answer of this question. तो हाउस और होम का स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है कि हाउस मीन्स, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मकान, तो मकान तो वो चीज़ है जो हम लोग ईंट पत्थर सीमेंट, ठीक है, या रंग करके हम लोग बना के स्ट्रक्चर जो बना करके खड़ा करते हैं रहने के लिए। तो इंसानों के रहने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो स्ट्रक्चर जो है वो हाउस कहलाता है, ठीक है। और होम, व्हाट इज ए होम? होम जो है घर, वो तब बनता है जब उसमें आपस में मिलजुल के रहने वाले लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोग रहते हैं। जब हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं किसी एक मकान के अंदर, उसको बहुत ही मन से हम सजाते हैं, साफ सफाई रोज रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस मकान में, किसी भी मकान में इस प्रकार के लोग जब रहते हैं
तब जाकर के वो मकान घर बनता है। सो अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो इट कैन बी द आंसर इस तरह से हो सकता है, ए हाउस इज ए पर्टिकुलर बिल्डिंग विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन चिप्स, सीमेंट, सैंड एंड विच हैज बीन कलर्ड। इट्स ए स्ट्रक्चर, इट्स ए मैन मेड स्ट्रक्चर। हाउस इज ए मैन मेड स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड होम इज एक्चुअली मेड बाय द पर्सन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस। द मेंबर्स ऑफ द होम आर ऑफन वेरी केयरिंग फॉर इच अदर, दे आर लविंग इच अदर, दे आर रेस्पेक्टिंग इच अदर एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर्स नीड्स विद कॉम्पैशन। बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे की इज्जत करते हुए जब घर के सदस्य आपस में रहते हैं तो वो घर, मतलब जो वो बिल्डिंग है, जो हाउस है, जब उस हाउस में प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखने वाले, एक दूसरों का सम्मान करने वाले लोग जब रहते हैं तब जा करके वो हाउस होम बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड ए होम। नाउ लेट्स रीड द पोएम विच हैज बीन रिटन बाई लोरेन एम हैली। लोरेन एम हैली के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। लोरेन एम हैली इज द नेम ऑफ द पोएट। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा। मैं एक स्टैंजा पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपको इस स्टैंजा का मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग स्टैंजा पढ़ते हैं। तो देखो, व्हाट इज ए हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड, इट हैज ईव्स एंड चिमनीस एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुकू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो इस पोएम में दो स्टैंजर्स है, एक बात समझ लो, जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, पैराग्राफ्स के जो स्टोरीज होती है, स्टोरीज का जो पैराग्राफ होता है, स्टोरीज के जो पैराग्राफ्स होते हैं, स्टोरीज के यानी कि जो भी कहानियों के, ठीक है, कहानियों के जो पैराग्राफ्स होते हैं, मतलब उसको हम लोग सिंपल पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक, पैराग्राफ बोलते हैं। लेकिन जो पोयम होती है, पोयम की जो ये जो इस तरह से पैराग्राफ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंजास, STANZAS। ठीक है, STANZAS। पोयम के पैराग्राफ्स को हम लोग पैराग्राफ नहीं बोलते, पोयम के पैराग्राफ्स को हम लोग स्टैंजास, STANZAS, स्टैंजास बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, पहले स्टैंजा में क्या बोला गया है कि मकान किसे कहते हैं, मकान उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो ईंट से, पत्थरों से और लकड़ियों के इस्तेमाल से बनता है और मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि घर जो बनता है उसमें ईंट का इस्तेमाल होता है, पत्थरों का इस्तेमाल होता है, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। आपको पता ही है कि जब जो है कोई आपके घर में अगर किसी ने मकान बनाया हुआ हो, आप देखे हुए हो, तो यू मस्ट हैव ए फेयर आइडिया कि मकान बनाते समय जो पिलर्स लगते हैं, पिलर्स के चारों तरफ हम लकड़ियां लगाते हैं, बाद में शायद उन लकड़ियों को हटा दिया जाता है, लेकिन छत बनते समय जब ढलाई होती है तब भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी वगैरह लगा करके जो है मकान ज़्यादा मजबूत बनते हैं, ईंटों से और पत्थरों से और लकड़ियों से, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है एक मजबूत पक्का मकान बनाने के लिए। फिर फोर्थ लाइन देखो, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड, कुछ विंडो ग्लासेस लगती है, मतलब जो विंडोज होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें ग्लासेस लगते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो मकान जो है चारों तरफ से खूबसूरती उस मकान को देने के लिए विंडोज में ग्लासेस वगैरह लगा करके चारों तरफ उसको कवर किया जाता है। इट हैज ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स
एंड स्टुकू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। कोई भी मकान जो होता है उसके बहुत सारे जो है गलियारे होते हैं, बहुत सारी तो नहीं लेकिन एक या दो चिमनीज। अच्छा, चिमनीज का मतलब हुआ उन घरों में जो कोल्ड कंट्रीज होती है। कोल्ड कंट्रीज मीन्स यूरोप, अमेरिका, ठीक है। तो ये जो कोल्ड कंट्रीज होती है जहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, उन घरों में चिमनीज बनाई जाती है। हालांकि इंडियन घरों में चिमनीज नहीं होती क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर के बहुत नज़दीक है, और इंडिया जो एशिया जो है कंटिनेंट का एक कंट्री है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो इतनी ठंड, सिर्फ ठंड के मौसम में ही 3-4 महीने रहती है, बाकी के साल तो गर्मी ही रहती है, एवरेज मौसम रहता है। तो यहाँ हमें चिमनी की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये जो पोएम है, ये जिस पोएट ने लिखी है वो किसी ठंडे प्रदेश में रहते होंगे, और इसलिए इन्होंने ये बोला है कि घरों में चिमनीस बनती है। तो चिमनीस का मतलब हुआ अंगीठी, जिसको जला करके हम लोग अपने घरों को गर्म रखते हैं। तो ठंडे देशों में घरों में चिमनीस वगैरह भी बनाई जाती है, ठीक है। घरों में टाइल फ्लोर्स होते हैं, टाइल्स में लगे हुए जो है फ्लोर्स होते हैं। स्टुकू का मतलब होता है, स्टुकू का मतलब होता है जैसे कि सीमेंट, सैंड, ठीक है, को जो मिक्स करके जो घोल बनाया जाता है, जिस घोल से प्लास्टर किया जाता है, या ठीक है, घर बनाते समय पहले ब्रिक्स को सजाया जाता है, उसके बाद जो प्लास्टर किया जाता है उस प्लास्टर के घोल को स्टुकू कहा जाता है। तो स्टुकू लगा करके उस घर को मजबूती दी जाती है, या एक जो है खूबसूरती दी जाती है, मजबूती प्लस खूबसूरती दी जाती है, और उसकी छत होती है, और बहुत सारे जगह जगह पर दरवाजे होते हैं। तो वो होता है एक एक घर। तो फर्स्ट स्टैंजा का कुल मिला के मतलब ये है कि एक मकान, सॉरी, फर्स्ट स्टैंजा का कुल मिला के मतलब है कि एक मकान वो स्ट्रक्चर है जो पत्थरों से, ईंटों से और लकड़ियों से बना होता है। उसमें जगह जगह ग्लासेस लगे होते हैं खिड़कियों में, उसमें जो है चिमनीस होती है, और उसके उसकी जो जमीन होती है वहां पे टाइल्स लगी होती है, उसमें जो है प्लास्टर किया जाता है, और उसकी छत होती है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए हाउस अकॉर्डिंग टू द पोइट। नाउ अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। सेकेंड स्टैंजा में क्या है? व्हाट इज ए होम? इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट हैज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इट हैज अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। ये हम लोगों ने जो चर्चा की थी लगभग लगभग वैसी ही बात पोएट लोरेन एम हैली बोल रहे हैं होम के बारे में, घर के बारे में। उनकी व्याख्या क्या है? घर वो किसको मानते हैं? उनका कहना है कि घर वो स्थान है जहां पर प्यार करने वाला एक परिवार रहता है। ये लोग हमेशा एक दूसरे के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पर भाई होते हैं, बहनें होती हैं, ठीक है, पिता होता है, माताएं होती है। यहां पर अनसेल्फिश एक्ट्स चलता है। अनसेल्फिश एक्ट्स का मतलब जिसमें कोई स्वार्थ न छुपा हो। अक्सर हम लोग दूसरों के लिए अगर कोई हेल्प वगैरह करते हैं तो उसके बदले में अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसा जो है घर के लिए नहीं है। घर के सदस्यों के लिए ये लागू नहीं होता। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ अनसेल्फिश एक्ट्स करते हैं, एक दूसरे के लिए ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका कोई निजी स्वार्थ ना हो। एक दूसरे के प्रति दया भावना दिखाते हैं, एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, वो अपने लव्ड वंस से बहुत प्यार करते हैं वो, और दिखाते हैं हमेशा कि वो लव्ड वंस का, अपने अपने जो है प्यारे अन्य पारिवारिक सदस्यों का कितना केयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि घर घर तभी बनता है जब वहां पर प्यार करने वाले और एक दूसरे को सम्मान देने वाले और एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखने वाले लोग रहते हैं। जिस घर में अशांति हो, जिस घर में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हो, स्टूडेंट्स, वो घर घर कहलाने के लायक नहीं है। उसको तो फिर मकान ही कहना सही रहेगा। एक ऐसा मकान
जिसमें ऐसे सदस्य रहते हैं जो घर की कीमत ही नहीं समझते। तो इस पोएम्स के द्वारा आपको कहीं ना कहीं ये एक सीख भी दी जा रही है कि घर क्या होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने मम्मी पापा का कहना मानते होंगे, आपके जो जो दूसरे मीन्स आपके भाई बहन हैं उनको बहुत प्यार देते होंगे। हाँ ठीक है, शरारतें चलती रहती है, थोड़ा बहुत झगड़ा भाई बहनों के साथ चलते रहता है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी चलते रहता है, वो थोड़ा बहुत सही है उसमें। और वो अगर ना भी हो तो जीवन बोरिंग हो जाए, तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन वो कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इतना नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को देखना ही ना चाहो, एक दूसरे से प्यार करना छोड़ दो। वो छोटी मोटी शरारतें तक सही है, उससे आगे कभी न बढ़ने पाए। जैसे ही बढ़ने की कोई भी नौबत कभी भी किसी को आती हुई नजर आए तो उसी समय बैठ करके बात को सुलझा लेनी चाहिए। समझ गए बात? तो स्टूडेंट्स, घर सिर्फ प्यार करने से, एक दूसरे का सम्मान करने से, एक दूसरे की जरूरत का ध्यान रखने से, एक दूसरे के नजरिए या एक दूसरे की सोच का सम्मान करने से ही घर बनता है। एक घर में कभी किसी एक सदस्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वो ही सही है। सब के अपने अपने विचार होते हैं और हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चार सदस्य रहते हैं तो चारों के विचार सेम होंगे। भाई होता ना कि किसी को घर में, सपोज करो किसी बच्चे को घर में चॉकलेट पसंद है, किसी दूसरे बच्चे को टॉफ़ी पसंद है, किसी तीसरे बच्चे को हो सकता है मान लो पुलाव पसंद है, या चौथे बच्चे को मान लो मैगी पसंद है, तो चारों को अलग अलग पसंद हो सकती है। तो इस तरह से पांचों उंगली बराबर नहीं होती, सबके विचार थोड़े अलग हो सकते हैं। हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगर सामने वाला चॉकलेट खा रहा है या चॉकलेट को पसंद करता है तो आपको उसको सम्मान करना चाहिए, उसकी 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 पसंद का सम्मान करना चाहिए। और उसको भी, अगर आप मैगी पसंद करते हो तो उसको भी आपकी मैगी का जो शौक है उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की सोच का विचार का सम्मान करना चाहिए। सबके अपने विचार हैं और सभी अपने अपने जगह सही हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डील विद द ए लिटिल एक्सरसाइज विच इज गिवन इन द वे ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 16 जो आपका टेक्स्ट बुक है हनीसकल, उसमें जो वर्किंग विद द पोएम दिया हुआ है उसमें देखो सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के चार हिस्से हैं, दूसरे क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, और इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, देखो, डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएम सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। पोएम क्या कह रहा है, पोएम में क्या कहा गया है कि आप लोग इसे सहमत हो, आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हो, दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आप अपने घर के बारे में और अपने मकान के बारे में ये लिखोगे, अपने मकान या अपने घर से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ शेयर करोगे। तो अगर हम लोग वन नंबर की बात करें, तो अगर हम लोग ये वन के वन की बात करें, इसकी बात करते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग वन के वन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखो, ए हाउस इज मेड ऑफ, तो आप लिखोगे यहां पर वुड, ब्रिक, स्टोन, या आप तीन चीज इसमें मोटे तौर पर लिख सकते हो, वुड, ब्रिक एंड स्टोन। समझ गए? वुड, ब्रिक एंड स्टोन इज द आंसर ऑफ वन। मैं एक बार यहां पर अगर देखूं तो पेज को एक बार टर्न करके, अगर आप देखो यहां पर, तो वन का आंसर ये हो सकता है कि वुड, ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन, वुड, ब्रिक एंड स्टोन, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो सकता है। लिख सकते हो आप, बुक में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप बुक में पेंसिल से लिख सकते हो। सेकंड नंबर है, इट हैज डैश। इट हैज डैश में आप क्या लिखोगे, इट हैज डैश में आप चाहो तो इसका आंसर लिख सकते हो, इट हैज, देखो यहाँ लिखा हुआ, इट हैज ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो आप लिख सकते हो इट हैज ईव्स, फिर कॉमा दे दोगे चिमनीज, फिर कॉमा दे करके टाइल फ्लोर्स, फिर कॉमा दे करके स्टुको, फिर कॉमा दे करके रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स लिखोगे आप।
तो इसका आंसर हो सकता है टू का, इट हैज के बाद लिखोगे इव्स कॉमा चिमनीज कॉमा, कॉमा कॉमा लगाओगे यहाँ पे, अच्छा टाइल फ्लोर्स कॉमा स्टुकू कॉमा रूफ के बाद एंड लिखना ही है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ भी है, रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, ये इसका आंसर होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ए होम इज मेड बाय, होम किससे बनता है? तो अगर हम लोग इसमें देखें तो आप होम का आंसर लिख सकते हो, ए होम इज मेड बाय, ए होम इज मेड बाय आप लिख सकते हो, ए होम इज मेड बाय, आप ऐसे लिख सकते हो, लव लिख सकते हो, होम इज मेड बाय लव एंड फैमिली, ए होम इज मेड बाई लव एंड फैमिली, ये लिख सकते हो आप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इट हैज, होम में क्या होता है, होम में क्या होता है, ये क्वेश्चन है, होम में क्या होता है, एक मिनट के लिए देखते हैं, होम में क्या होता है, ए होम हैज, ए होम हैज आप लिखोगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फादर्स एंड मदर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमा देके लिख सकते हो, ये एंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे ए होम हैज ब्रदर्स कॉमा सिस्टर्स फिर कॉमा फादर्स एंड मदर्स, मदर्स के पहले आप एंड लगा देना, तो आंसर विल बी ब्रदर्स कॉमा सिस्टर्स कॉमा फादर्स एंड मदर्स, ये आपका फोर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर टू इज योर होमवर्क, नंबर टू आप खुद ट्राई करो, आपको अपने घर के बारे में लिखना है, तो नंबर टू जो है वो आप जो है होमवर्क करना, दिस इज योर होमवर्क, नंबर टू आपका होमवर्क है, ठीक है, कि माई हाउस इज आपका घर, आप बोल सकते हो कैसा दिखने में है या कैसे बना है, बने तो सारे घर एक जैसे ही होते हैं, आपका घर कैसा है, ए हाउस माई हाउस इज डैश आपका घर कैसा दिखने में है ये आप बता दोगे। टू नंबर जो है वो है द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज डैश, मेरा घर जो है उसके बारे में अगर कोई बेस्ट बात करें तो वो क्या बात है, मतलब आपके घर की खासियत क्या है, ये वाली बात आप बताओगे, आपके घर की खासियत क्या है, आपका घर के जो सदस्य हैं वो कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, वो सब बातें आप इसमें एक सेंटेंस में लिखोगे, माई द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, मैंने मेरे घर के बारे में सबसे खास बात यह है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के सदस्य बहुत आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पैशनेट है, यानी कि एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, ऐसे और भी कोई अच्छी बात आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक बॉक्स बना हुआ है नीचे, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में क्या है, लेंथी प्रोसेस, सो योर सन इज स्टिल गोइंग टू कॉलेज, दिस इज एक्चुअली ए जोक, ये एक प्रकार का जोक है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज से कोई संबंधित कुछ नहीं है, सो योर सन इज स्टिल गोइंग टू कॉलेज, ए मैन रिमार्क टू अनदर, वट इज ही गोइंग टू बी वैन ही फाइनली ग्रेजुएट्स, रिप्लाइड द सेकेंड ओल्ड। उम्मीद करता हूँ आप इस जोक का मतलब समझे हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है तो आपका लड़का अभी भी कॉलेज जा रहा है, वो कॉलेज से पास होने के बाद या ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद क्या बनेगा या क्या करना चाहता है, तो दूसरे व्यक्ति या फिर वो क्या बनेगा, तो इसके जवाब में दूसरे आदमी ने जवाब दिया ओल्ड, वो बूढ़ा बनेगा, बूढ़ा बनेगा का मतलब कि उसके 3 साल खर्च हो चुके होंगे, तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होगा कि कोई बच्चा अपनी उम्र उसकी कम हो जाएगी, यानी वो बूढ़ा हो जाएगा, तो दिस इज द अबाउट इट्स अ टाइप ऑफ जोक, सही अंदाज में कहने पर ये जोक मजेदार हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अप टिल दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे, आज हम लोग यहीं तक करके अपने वीडियो को मैं रोकता हूँ, एंड ऑन द नेक्स्ट डे, मैं नेक्स्ट डे के बारे में आपको बता दूं, हमारी जो एक अभी टाइम टेबल नहीं आई है टीचर्स की, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट ऑन, अगला वीडियो जो है वो आपको
मिलेगा, आज फ्राइडे है, मंडे, मंडे को आपको अगला वीडियो मिलेगा। वैसे भी देख ही रहो, कल 15 अगस्त है, एडवांस में 15 अगस्त की बहुत बहुत आपको बधाई, ए वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे, एंड ऑन मंडे मुझे बिल्कुल याद है, आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1, ठीक है? और ये चैप्टर 2 वाला जो होमवर्क है, ये तो आपको बुक में ही करना है, तो देर इज नो नीड टू डू इट इन नोटबुक, ठीक है? पेज नंबर 16 को आप बुक में ही करना विद पेंसिल। और सी यू ऑन मंडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।